का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है, जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस हुआ है। इस नाते आप लोग आगे बढ़ के सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाइए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका समाज सुरक्षित रहे। इसके लिए आप जैसे लाखों करोड़ों कोरोना वॉरियर आप जैसे और 130 करोड़ देशवासियों की सफलता है और 130 मेड इन इंडिया वैक्सीन हम सबके लिए गर्व की बात तो है ही। अच्छा ये बताइए, गर्व की बात तो है ही, जैसे आपने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, जैसे आपने कहा कोई माइंड इफेक्ट भी नहीं हुआ है, यानी आप बिल्कुल विश्वास से किसी को भी कह सकती हैं कि भाई ये जो कुछ भी आपने किया अनुभव क्या एकदम उत्तम अनुभव है जी? बताइए पुष्पा जी। जी सर, सुनाई दे रहा है मेरी बात? जी सर। ऐसा है कि जब आप कह रही हैं कि आपको बिल्कुल जैसे रूटीन में एक वैक्सीन होता है वैसा वैसा ही हुआ, कुछ लोगों के मन में थोड़ा चिंता रहती है, तो आप तो मेडिकल दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपने खुद ने लिया है, तो जरा लोगों को विश्वास मिले ऐसी कुछ बात बताइए आप। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी 9 महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग ना लाए कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई इसका साइड इफेक्ट होगा या हमें कोई इसका नुकसान होगा। इस नाते सभी को वैक्सीन लगाना, अपने मन में डर को हटा देना और वैक्सीन लगवाना है। चलिए पुष्पा जी आपने बहुत सही कहा, कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जात जात के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है उधर की भी बात होती है, तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे, ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें, तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है, अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं वो सलामत हो जाते हैं तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएँ और वैज्ञानिक जाँच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो, लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए और जितना तेजी से हो जाए उतना आप चिंता कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है, इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। पुष्पा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप स्वस्थ रहिए और सेवा भी करते रहिए। सर, वाराणसी के ही जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा से ही जुड़ी श्रीमती रानी कुंवर जो वहाँ सर ANM के पद पर कार्यरत है, जो वैक्सीनेटर भी हैं, उन्हें मैं माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती रानी कुंवर जी। रानी जी नमस्ते। नमस्ते सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं समस्त काशी वासियों की तरफ से कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ। सर, मेरा नाम रानी कुंवर श्रीवास्तव है, मैं डिस्ट्रिक्ट वोमेन हॉस्पिटल में ANM के पद पे 6 साल से कार्यरत हूँ। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर, एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं, 100 वैक्सीन लोगों को लगाते हैं। तो अब तक का आपके सारे रिकॉर्ड है वो इस वैक्सीन के समय ब्रेक हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इतने लोगों को इंजेक्शन देना पड़ेगा कि शायद ही सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे COVID-19 जैसी भयानक बीमारी का
वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो लोग भी तो आपको आशीर्वाद देते होंगे। जी सर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है सर। मेरे साथ साथ सर लोग सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने इतना जल्दी 10 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करवा दी और वो लोगों को लगने भी लगी है। देखिए, इसके लिए इसके हकदार, इसका हकदार मैं नहीं हूँ। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता अनिश्चितता क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे, इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है, वो लेबोरेटरी में उसका पीछा करते रहे और उन्होंने ये रात दिन मेहनत करके, और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे, उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप सबको जाता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा, और आपने बड़े विश्वास के साथ कर रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ाइए, काम को आगे बढ़ाइए। मेरी रानी जी को बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। सर, हमें वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, जो हमारा जिला चिकित्सालय भी है, उनसे जुड़े डॉक्टर वी शुक्ला, जो वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, उन्हें मैं आपके साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर वी शुक्ला। नमस्कार डॉक्टर। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर वी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी से, स्वयं तथा अपने चिकित्सालय परिवार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। हाँ शुक्ला जी, क्या अनुभव आ रहा है जरा बताइए, हमारे काशीवासी सुखी हैं? सर बहुत खुशी हैं, सुखी हैं, सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकसित देश होते हुए भी, विकासशील देश होते हुए भी, विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित होते हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना, इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। सर ये मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन सचमुच में आप लोगों ने अद्भुत काम किया है, इतने बड़े संकट से देश को बचाने में कोरोना वॉरियर्स, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ शुक्ला जी बताइए। सर इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को आपने जो विश्वास से दिया कि सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण लगाना है, उससे हम लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ और दूने जोश से हम लोग अपने काम में जुट गए हैं। और लोगों को में ये संदेश जा रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही खुद, जो लोग इस बीमारी से, या यूं कहिए कि हर किसी बीमारी से जो लोग लगे हुए हैं, जिस बीमारी से जन समुदाय को बचाने में लगे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक ने इन लोगों का चुनाव किया है कि सबसे पहले ये टीकाकरण करवाएंगे, इसका मतलब अपने आप सिद्ध होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। देखिए, ये तो हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले 4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीजों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। इन चीजों का हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो गया कि हमारा देश का गरीब नागरिक भी, उम्र वाला नागरिक भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ताकतवर रहा, उसके कारण हमारी यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो स्वच्छता हो, टॉयलेट हो, पानी हो, इन सारी चीज़ों ने बड़ी मदद की है। शुक्ला जी आप तो लीडर हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, अलग 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 लेयर के लोग काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर के सबका विश्वास कैसा है, सारे साथियों का विश्वास कैसा है? अच्छा है
सब लोग संपूर्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। टीकाकरण शुरुआत होने के पहले भी हम लोगों ने इस पर सामूहिक डिस्कशन किया और सबके मन में ये भाव बताया गया कि सब लोग बाहर निकलें, समाज को ये बताएं कि एक मामूली टीकाकरण जो बहुत सालों से होता आ रहा है उसके बाद भी कहीं ना कहीं छोटा सा थोड़ा मोड़ा इफेक्ट, जैसे कि हल्का सर दर्द, हल्का बुखार, सर्दी जुकाम, ये एक सामान्य बात है। ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस वैक्सीन के बाद ये भी चीज़ें आ सकती हैं, हम लोगों को आ सकती हैं, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संशय हो उसको दूर करने के लिए हमने उस दिन सर्वप्रथम पहला टीका अपने केंद्र पर लगवाया और उस दिन हमारे यहाँ 81% वैक्सीनेशन हुआ और लोगों में इसका काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा और सब लोग आगे बढ़ करके इसका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम अगर दुनिया को कुछ भी कहेंगे कि चिंता मत करो, वैक्सीन लगा दो, उसके बजाय आप लोगों का एक शब्द भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक भी व्यक्ति भी ये जब कहता है तो पेशेंट का बड़ा भरोसा बढ़ जाता है, नागरिक का भी भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए आपको भी तो लोग भांति भांति के सवाल पूछते होंगे, आपका सर खा जाते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? सर, छोटे मोटे प्रभाव हर वैक्सीनेशन के बाद आते हैं, ये हम लोगों को समझाते हैं। अब जो लोग अभी तक, कल तक हमारे देश में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और उसमें बहुत ही कम संख्या में लोग आए हैं जिनको मामूली स्तर का भी प्रभाव आया है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर टीकाकरण कराए, उस टीकाकरण के बाद क्योंकि आधे घंटे यहाँ पर बैठना था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कार्य में पुनः लग गए। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए, हम लोग भी अपने सारे कार्यों में लग गए। अब गंभीर रूप से जो मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, टीकाकरण उनको भी होना है। तो अगर उनके साथ किसी को अपने स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, करोड़ों में एक आध लोगों के साथ, तो उसको टीकाकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी तरह का टीकाकरण किसी भी व्यक्ति को अमरत्व नहीं प्रदान करता। तो उस चीज को टीकाकरण से जोड़ना गलत है, ये एकदम सुरक्षित है। इससे बड़ा ट्रायल रिपोर्ट दुनिया में और कहीं नहीं आ सकता है, जहां जितना हमारे देश में हो गया। 10 लाख लोग टीकाकरण करवा करके एकदम सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इससे हम एक विश्व में भी एक संदेश दे रहे कि इतना बड़ा टीकाकरण इस महामारी के खिलाफ भारतवर्ष के अलावा अन्य किसी देश में अभी तक नहीं हो पाया। चलिए शुक्ला जी, आपका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है और आपका नेतृत्व इतना जबरदस्त है और जैसे आपने इतने सारी संख्या में आपके अस्पताल में सबका टीकाकरण करवा दिया है, तो मैं सभी अस्पतालों से आग्रह करूंगा कि आप भी तय कीजिए कि आपके यहाँ 100% काम कितना जल्दी पूरा होता है। कॉम्पिटिशन चलाइए, वातावरण बनाइए कि भाई हमारे अस्पताल में हमने 100%, तो क्या होगा, वो जो आगे का राउंड है वो हम जल्दी चालू कर सकते हैं और जो 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको तुरंत हम काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसा आपने इतना बड़ा नेतृत्व करके इतनी बड़ी तादाद में टीकाकरण करवा दिया तो आप अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी अपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने अस्पताल में, जितने ज़्यादा हमारे ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको मदद करेंगे तो अच्छा होगा। शुक्ला जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद जी। सर, वाराणसी से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से जुड़े श्री रमेश राय चंद्राय, जो वहाँ सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत है, उन्हें मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री रमेश चंद्राय जी। रमेश जी नमस्ते। प्रणाम सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं रमेश चंद्राय, सीनियर लैब टेक्नीशियन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। आपने वैक्सीन ले लिया? जी सर, पहले, ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि पहले ही चरण में हमको वैक्सीन लगाने का मौका मिल गया। चलिए वाह, तो अभी बाकियों को भी विश्वास बढ़ गया होगा कि जब एक टेक्नीशियन फील्ड के टॉप व्यक्ति ले लेते हैं तो बाकियों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सर।
हमने तो सबको यही कहते हैं भैया पहला डोज लगवा लिए और दूसरा भी लगवाने के लिए तैयार रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, समाज को सुरक्षित करिए और देश को भी सुरक्षित करिए। सर आपने विश्वास से आगे बढ़ा दिया, अब आपकी पूरी टीम में क्या प्रभाव पैदा हुआ है, उनमें विश्वास बढ़ गया है? सर एकदम उत्साह से लोग आकर के, सर पहले चरण में तो 81 लोगों ने सर आकर के जो है टीकाकरण कराया, 19 लोग संभवतः कहीं चले गए थे किसी कारण से नहीं, और आज भी टीकाकरण हमारे यहाँ पूर्ण रूप से चल रहा है सर। चलिए रमेश जी, मेरी आपको भी बहुत शुभकामना है, आपकी पूरी टीम को भी बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर संवाद के इस अंतिम कड़ी में सर वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार विकास खंड सेवापुरी से जुड़ी श्रीमती श्रृंखला चौहान, जो वहां पर एएनएम के पद पर कार्यरत है और वैक्सीनेटर भी हैं, उन्हें मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती श्रृंखला चौहान जी। श्रृंखला जी नमस्ते। सर मैं श्रृंखला चौहान, मेरे तरफ से सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर सीएससी हाथी बाजार, पीएससी सेवापुरी, एसडब्ल्यूसी बरकी, एएनएम के पद पर कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में सेवापुरी में सेवा करके आप सेवापुरी का नाम भी सार्थक कर रही हैं और अपने परिवार का नाम भी सार्थक कर रही हैं।